वैसे तो मैं सन 2020 तक मुझे राज्यसभा का टर्म है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी मुझे चाहती है कि मैं लोकसभा में जाऊं, तो वैसे तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है जहां से मैं रहा हूं, जहां मैं वोटर भी हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेरे पार्टी अध्यक्ष और हमारे जो आदमी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, उनसे कहा है कि जहां पार्टी लड़ना चाहती मैं लड़ने तैयार हूँ। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तय करेगी। मुझे अभी मालूम पड़ा है कि कमलनाथ जी ने कुछ बयान ऐसा दिया है और पार्टी से डिक्लेयर किया है, उनको जानकारी होगी, मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मना लिया गया है आपको भोपाल से चुनाव लड़ने के लिए, मनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही तैयार हूँ, मनाने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। सर, इंदौर को लेकर भी बात जो है उसका वक्त हो चुका है और ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है जो यहाँ पर कांग्रेस का सूबा। यहाँ ठीक है, इसमें भी सारी पार्टी के लोग तय करेंगे, अच्छा लड़ सकता है, बनाएंगे। आपको एक चैलेंजर के रूप में भी देखा जाता है सर, कि कहीं कहीं पे कोई चैलेंज हो तो वो कठिन सीट को लेकर जो लगातार बात की जा रही थी, अब ठीक है आप भोपाल या मैंने तभी कह दिया था, मैंने जीवन में हमेशा चुनौतियों को स्वीकार किया है और चुनौतियों को स्वीकार करना मेरी आदत में शुमार है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप कमलनाथ ने ऐलान किया होगा आपसे बात करके ही कहा होगा, कमलनाथ ने भोपाल से आप लड़ने का ऐलान किया, आपसे उनसे चर्चा की ऐलान से हुआ है? चर्चा तो कमलनाथ जी से रोज होती है। आपके मुख्यमंत्री काल में भी आप सबसे ज्यादा इंदौर को लेकर बहुत प्रेम रखते थे, इंदौर के बारे में आपका क्या ख्याल है, इंदौर की जनता के बारे में क्या ख्याल है? इंदौर की तासीर ऐसा है कि इंदौर मेरा एक दूसरा गृह नगर मान के चलिए, जहाँ मैंने मेरा बचपन और अपना छात्र जीवन बिताया, तो इसलिए इंदौर से तो मेरा प्रेम है। प्रज्ञा ठाकुर को आपके सामने उतारने की बात भाजपा लगातार कर रही है, उनका भी कहना है कि जहाँ से आप लड़ेंगे उनके वहीं से चुनाव लड़ेंगे, जहाँ से लड़ना चाहे भाजपा, जिसको लड़ना चाहे लड़ाए। भाजपा का ये भी कहना है काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जीत नहीं पाएंगे, ठीक है वो अपना प्रयास करें, मैं अपना प्रयास करूँगा। सर, इसके अलावा कमलनाथ ने भी कहा था कि इस फैसले से आप कितना खुश हैं या नहीं? मैं तो हमेशा खुश हूँ, आप देख रहे हैं मुझे कुछ परेशानी नज़र आ रही है क्या? मुद्दे इस बार आपको क्या नज़र आ रहे हैं, क्या मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको नज़र आ रहे हैं? बहुत सारी मुद्दा साफ है, इस देश में नफरत की राजनीति होगी या प्रेम और सद्भाव की राजनीति होगी, इस देश में सत्य अहिंसा का रास्ता चुना जाएगा या जुमलों का और हिंसा का रास्ता चुना जाएगा, इस देश में महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता चुना जाएगा या गुरु गोलवलकर का रास्ता चुना जाएगा, चयन देश को करना है। समझौता ब्लास्ट के आरोपियों को फरी कर दिया गया सर, आपने इस मुद्दे को काफी उठाया, तो यही इंदौर के डेरामा हत्याकांड से जो शुरू हुआ ऐसा है, मेरे से रिएक्शन पूछा गया था, नीचे कर लो ना उन्हें, ये तो होना ही था, जबकि और वो इधर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक साथ हो जाए तो फिर फैसला क्या होना है।